तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाँ, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इज नॉर्मल एडजस्टमेंट ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ एल ड्रॉन इनसाइड द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके अंदर ही, ठीक ना, इसके अंदर ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हो। तो चलो एक स्ट्रेट लाइन इसके अंदर ड्रॉ कर देते हैं और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज़ इनसाइड लेंस और ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, ठीक ना। तो द आई पीस ऑफ फ्रॉम रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, तो आई पीस अपना इधर कहीं होगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है तो इसे जो लाइट रे आएगी और इस आई पीस वाले पे पड़ेगी, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में या नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में तुम देखोगे तो ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ हो गया और ये फोकल लेंथ हो गया आई पीस का। तो जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है, लेंथ ऑफ द ट्यूब वो यू यहाँ से आ जाएगा और वो आ जाएगा माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई, ठीक है ना। दिस इज़ फॉर आई पीस, मतलब आई पीस के लिए जो ये वाली ऑब्जेक्ट है इसका यू इतना आ जाएगा। अब इसका वी कितना है, कहाँ है, वी डोंट नो अबाउट, बट मैग्निफिकेशन का हमें फार्मूला पता, मैग्निफिकेशन एफ अपॉन एफ प्लस यू और ये आ जाता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे, या हाइट ऑफ इमेज यहाँ आई है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ एल है, तो आई अपॉन एल। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, इस मैग्निफिकेशन के फार्मूले में मुझे वैल्यू बस रख देना है। तो यहाँ से जो एफ है आई पीस के लिए आया, तो एफ ई ऑफ आई पीस और यहाँ से एफ ई ऑफ आई पीस और माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई, ये वाला मिल जाएगा और यहाँ से आई अपन एल मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप की एम की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको फर्दर यहाँ से फर्दर सॉल्व करता हूँ तो जो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन होता है उसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो एक बार इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से माइनस एफ ई और ये माइनस एफ ई ख़त्म हो गया और यहाँ से माइनस यहाँ से एफ ई अपन एफ नॉट आ जाएगा और यहाँ से आई अपन एल आ जाएगा। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से तो हाँ, मतलब ये वाली जो है, मैं यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो एफ नॉट अपन एफ ई की मॉड की जो वैल्यू आ जाएगी वो एल अपन आई के इक्वल आ जाएगी और इट इज़ ऑल्सो द मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज ऑल्सो एफ नॉट अपन एफ ई की वैल्यू के बराबर होती है, ये वाली चीज़। ये वाला फार्मूले में अगर डाउट है तो तुम एक काम करो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f में, ठीक है ना, यू भी इलिमिनेट कर दो। भी इलिमिनेट कर दोगे तो भी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो भी से इधर भी से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहाँ से ये आ जाएगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से अपना एल अपन आई मतलब बी ऑप्शन सही है।